जिंदगी में कुछ बनना, कुछ हासिल करना, कुछ जीतना। बॉलीवुड इंडस्ट्री के हांस यानी कि शाहरुख और सलमान के साथ काम करना आखिर कौन सी एक्ट्रेस को पसंद नहीं आएगा। एक बॉलीवुड के रोमांस किंग है और दूसरे के प्यार का ऐसा हैंगओवर होता है जो उतरता ही नहीं है। जब करण अर्जुन के रीमेक की बात चर्चे में है तब सोचने वाली बात ये है कि कौन होगी इस बार वो लकी गर्ल जिसे इन दोनों सुपरस्टार्स के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। और साथ ही ओरिजिनल में तो हमें करण अर्जुन दोनों की ही लव स्टोरी दिखाई गई थी, लेकिन रीमेक में कोई ट्विस्ट हो सकता है और वो ट्विस्ट लव ट्रायंगल का हो सकता है, यानी कि हमें करण अर्जुन एक ही लड़की के प्यार में पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब वो लड़की यानी कि एक्ट्रेस एक्शन क्वीन प्रियंका चोपड़ा भी हो सकती है या शाहरुख के साथ अपना डेब्यू कर चुकी दीपिका पादुकोण भी हो सकती है। प्रियंका ने सलमान और शाहरुख दोनों के साथ काम किया है, लेकिन दीपिका ने आज तक सलमान खान के साथ काम नहीं किया, जबकि शाहरुख के साथ कई सारी फिल्में कर चुकी हैं। क्या आप इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं? दीपिका को सबसे पहले मूवी को ऑफर सलमान ने ही दिया था, लेकिन तब दीपिका के पास डेट्स नहीं थी और इसी वजह से वो उनके साथ काम नहीं कर पाई थी। तो हो सकता है कि वो ये कसर अब पूरी कर दे। इस लिस्ट में इन दोनों के अलावा कैटरीना कैफ और रईस में किंग खान के साथ काम कर चुकी माहिरा खान का भी नाम शामिल है। अब देखना ये है कि कौन सी एक्ट्रेस को मौका मिलता है इस आइकॉनिक मूवी की रीमेक का पार्ट बनने का। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिनल मूवी की एक्ट्रेस काजोल ही हमें रीमेक में दिख जाए। इस मूवी में काजोल के साथ साथ ममता कुलकर्णी भी थी जिन्होंने सलमान की लव इंटरेस्ट बिंदिया का रोल प्ले किया था। और सिर्फ करण अर्जुन ही नहीं बल्कि वो 80s और 90s के जमाने की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक थी जिन्होंने कई सारी फिल्मों में एज अ लीडिंग लेडी काम किया था। अब देखना होगा कि इस बार अंडरवर्ल्ड का नाता होता है या नहीं और इनकी दोस्ती अप्स एंड डाउन्स को कैसे झेलती है। आप कितने एक्साइटेड इस मूवी को लेकर? हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाय टू 8828850888।